अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या का है, वो कहे कि बस पांच बार नमाज पढ़ो फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में ठाके लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइफ टीवी। राजस्थान के बाड़मेर में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ बाबा रामदेव ने जमकर जहर उगला, जिसके बाद उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए और FIR भी दर्ज हुआ। लेकिन बाबा रामदेव के इस बयानबाजी के खिलाफ अब पूरी दुनिया थू-थू कर रही है। दुबई की राजकुमारी ने बाबा रामदेव की जमकर आलोचना की है और उनके खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। बाबा रामदेव पर वो जमकर बरसी, क्या कुछ उन्होंने कहा है हम आपको उनके ट्वीट के जरिए दिखाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि UAE के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। मोदी जी ने वहां पर अपने रिश्ते प्रगाढ़ किए, तभी तो UAE ने भारतीयों के सम्मान में वहां पर भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण करा दिया, 16 देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित करा दी। लेकिन यही देखिए भारत में इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर कितना जहर उगला जाता है। अब बाबा रामदेव के प्रोडक्ट के बॉयकॉट करने का भी ऐलान किया गया है। UAE से उन्हें अपना बिजनेस समेटने की भी नौबत आ सकती है। लेकिन बाबा रामदेव जो योग गुरु हैं, बिजनेसमैन बने और अब हिंदुत्व के नाम पर वो जहर उगल रहे हैं। और बीते 8 सालों में ऐसे बाबाओं की तादाद तो खूब बढ़ गई है जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं दुबई की राजकुमारी का ट्वीट, बाबा रामदेव पर वो क्या कह रही हैं। उन्होंने बाबा रामदेव की तस्वीर शेयर की और लिखा, दिस गुरु टीचस पीसफुल योगा बट प्यूस इस्लामोफोबिक हेट स्पीचेस एज ही मेक्स मिलियंस फ्रॉम द सेम मुस्लिम दैट बाय अनोइंगली हिज काउ यूरिन वॉज्ड यूज्ड इन हिज प्रोडक्ट्स। इन्होंने कहा कि ये जो गुरु हैं वैसे तो योगा सिखाते हैं, पीसफुल योगा, लेकिन दूसरी तरफ ये मुसलमानों के खिलाफ घृणात्मक बातें कर रहे हैं। उन मुसलमानों के खिलाफ ना जाने वो लाखों की कमाई इन्हीं मुसलमानों से करते हैं और पता नहीं अपने प्रोडक्ट में ये काउ यूरिन का भी इस्तेमाल करते हैं और उसी से ये लाखों कमा रहे हैं। लेकिन वही मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके के जहरीले बोल बोल रहे हैं। दुबई की राजकुमारी हैंड FQ ने जो लिखा है उस पर लोगों ने कमेंट भी किए, लेकिन इन्होंने एक नहीं दो तीन ट्वीट किए। इन्होंने कहा कि कहां पर प्रोटेस्ट करना है वो भी बताइए, मैं खुद ज्वाइन करूंगी इस बाबा रामदेव के खिलाफ। ये कैसे देश में मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके की विवादित टिप्पणी कर सकते हैं। बाबा रामदेव ने क्या कुछ कहा था वो हम आपको आगे बताते हैं, लेकिन उससे पहले जरा हैंड FQ का ये ट्वीट देखिए, लेडी वेलवेट है वो क्या लिख रही है। दरअसल इनके ही ट्वीट पर एक कमेंट आया, लॉट्स ऑफ हिज कंपनीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द UAE। एक कमेंट में यह था, बाबा रामदेव जो पतंजलि का उत्पाद बनाते हैं वो सभी प्रोडक्ट UAE में भी उपलब्ध हैं। तो इन्होंने पूछा है कि मुझे बताइए कहां पर है और मैं इसका बॉयकॉट करूंगी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, प्लीज टेल मी वेयर सो वी नो वेयर टू बॉयकॉट, थैंक यू। हैंड FQ ने जो ट्वीट में लिखा कि आप हमें बताइए कहां पर यह ऐसा उत्पाद मिल रहा है, हम उसका बॉयकॉट करेंगे। इन्होंने कुछ ट्वीट और किए हैं वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। बाबा रामदेव के जहरीले बोल जो थे कि मुसलमानों का क्या है, 5 बार नमाज पढ़ लो उसके बाद वो कुछ भी कर ले, आतंकवादी बन जाए या फिर हिंदू की महिलाओं को उठा लाए, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा रामदेव की ऐसी टिप्पणी को लेकर भारत में थू-थू तो हो ही रही थी, दुनिया भर में इनके इस बयान की भर्त्सना की जा रही है। अब देखते हैं दुबई की राजकुमारी ने अगला ट्वीट क्या लिखा है। दुबई की राजकुमारी ने अरबिक में ट्वीट किया है जिसका मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आपको बता रहा हूं। उन्होंने लिखा, बॉयकॉट दिस प्रोडक्ट्स हुज ओनर केम आउट स्पीकिंग इंसल्टिंग इस्लाम मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस एंड इनकरेजिंग देयर किलिंग एंड एक्सपेलिंग देम फ्रॉम द कंट्री। I do not know what happened to the Indians, but I demand that the state ban the products of this terrorist who threatens our safety and our community. इन्होंने जो अरबिक में लिखा कि इनके प्रोडक्ट का आप बॉयकॉट कीजिए क्योंकि ये लोग इस्लाम और मुसलमान साथ ही साथ क्रिश्चियन सबको इंसल्ट करते हैं अपने बयानों से, साथ ही साथ लोगों को उकसा रहे हैं किलिंग और एक्सपेलिंग के लिए।
उन्होंने कहा, मैं नहीं जानती कि इंडियंस के साथ क्या हो गया है। दुबई की राजकुमारी ने कहा, लेकिन मैं डिमांड करती हूं कि ऐसे आतंकवादी के प्रोडक्ट को बैन किया जाए। उन्होंने बाबा रामदेव को टेररिस्ट करके भी पुकारा है, क्योंकि जिस तरीके से वो नफरत फैला रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं अपने बयानों से, उससे विवाद तो खड़ा हुआ ही। हमारे देश में भी प्रदर्शन हुए, उनके ऊपर FIR किया गया। दुबई की राजकुमारी ने एक ट्वीट और किया, जिसमें उन्होंने लिखा, प्रोटेक्ट योरसेल्फ्स एंड योर चिल्ड्रन फ्रॉम एन एविल दैट वी डू नॉट नो। नॉट एवरीवन इज लाइक अस सीकिंग पीस एंड ट्राइंग हार्ड फॉर इट। इन्होंने कहा कि आप अपने परिवार और बच्चे की रक्षा इन जैसे बुरे लोगों से करें, क्योंकि सब हम जैसे नहीं हैं जो शांति के लिए इतनी मेहनत करते हैं, शांति की मांग करते रहते हैं, इसके लिए कोशिशें करते हैं। भारत में हिंदू मुसलमान जमकर किया जाने लगा है, मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए जहर उगला जाता है, ये सिलसिला लगातार जारी है। बाबा हो, धर्म गुरु हो, ये जहर उगल रहे हैं। खास करके संघ से जुड़े लोग, हिंदुत्ववादी संगठन के लोग, वो मुसलमानों पर फप्तियां कसते नजर आ जाते हैं। बाबा रामदेव भी इसी लाइन में आकर खड़े हो गए। इस संबंध में वसीम अकरम त्यागी ने भी एक ट्वीट किया है, बाबा रामदेव पर तंज कसते हुए, दुबई की राजकुमारी के ट्वीट पर भी, जरा वो अपने स्क्रीन पर देखिए। इन्होंने लिखा, ले ले लाला योगी रामदेव, दुबई की राजकुमारी का ट्वीट है ये। बाकी तुम दुबई से मोदी जी के रिश्ते जानते ही हो, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब तुम शारजा अबू धाबी दुबई से अपना नकली पतंजलि का सामान समेटना शुरू कर दो। ये वसीम अकरम त्यागी ने कहा है, क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट बैन करने की मांग उठ गई है। दुबई की राजकुमारी ने कहा, अगर दुबई में भी ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम इसका बॉयकॉट करेंगे, इसे बैन कराएंगे। तो पतंजलि को झटका लगेगा ही, क्योंकि बाबा रामदेव जैसे कट्टरपंथी सोच वाले समाज में जहर उगलने का काम करने लगे। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर में बाबा रामदेव ने साधु समाज संतों के कार्यक्रम में जहरीले बोल बोले थे। उन्होंने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पर सवाल खड़े कर दिए थे, मुसलमानों और ईसाइयों पर जमकर फब्तियां कसी थी। उन्होंने कहा था कि इनके मजहब में सिर्फ इतना ही है कि 5 टाइम नमाज पढ़ लो, बाकी कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके की विवादित टिप्पणी करने वाले बाबा रामदेव का बयान आप चाहे तो यहाँ सुन सकते हैं। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरी उन्हें उठा के लाओ, जो भी पाप करना है करो, वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घड़े पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा, बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घड़े, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मनवाए वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। ईसाई क्या सिखाते हैं, बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ, और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। तो इस तरीके के नफरती बयानबाजी करने वाले बाबा रामदेव की मुश्किलें अब बढ़ेंगी। एक तो भारत में FIR, दूसरी तरफ इस्लामिक कंट्री से उनके प्रोडक्ट का बॉयकॉट करने का भी ऐलान कर दिया गया है। बाबा रामदेव अब करेंगे तो क्या करेंगे, क्या FIR के बाद अपने बयानों से वो पलटेंगे, क्या वो माफी मांगेंगे? क्योंकि नफरत फैलाने वालों के लिए देश तो क्या पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।